हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मीटियर गार्डन के एपिसोड 36 और 37। बाकी पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 36। दामिनी और सनशाइन दोनों को ही नींद नहीं आती। दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। आधी रात हो जाती है और तब भी उन्हें नींद नहीं आती, तो दोनों साथ में ही बाहर आते हैं। सनशाइन पूछती है, तुम बाहर क्यों आए? दामिनी कहता है, फ्रेश एयर लेने। उन दोनों के पास कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए। दोनों हेजिटेट हो रहे हैं। सनशाइन कहती है, अच्छा अब मैं अंदर जाती हूँ। दामिनी हेजिटेट होकर सनशाइन से कहता है, क्या तुम जाने से पहले मुझे हग दोगी? सनशाइन कहती है, सिर्फ एक बार। दामिनी कहता है, एटलीस्ट दो बार तो दो, क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। सनशाइन दामिनी को हग करती है, देन रूम में चली जाती है। अब तो सनशाइन को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, वो पूरी रात नहीं सोती। नेक्स्ट डे सनशाइन दामिनी के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाती है, क्योंकि अब दामिनी उसके वर्ल्ड में आ चुका है तो उसे उसकी केयर तो करनी पड़ेगी ना। पर जब सनशाइन उसके घर जाती है तो वो वहां नहीं होता, क्योंकि दामिनी कॉलेज के लिए आज जल्दी निकल गया। कॉलेज में मेजर और शिमेन दामिनी की न्यू प्लेस देखकर शॉक होते हैं और कहते हैं, तुम ऐसी जगह कैसे रह सकते हो? दामिनी कहता है, मुझे वहां रहना अच्छा लगता है, बहुत सारे बग्स और कॉकरोचेस के साथ। सनशाइन वहीं छुपकर ये सुन रही थी और सोचती है, दामिनी मेरे लिए कितना कुछ सह रहा है। दामिनी अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम मेरी रिलेशनशिप और लव का कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाओगे। दामिनी के वहां से जाने के बाद मेजो शिमेन से श्यायू के बारे में बात करता है। मेजो पूछता है, तुम्हारे और श्यायू के बीच क्या चल रहा है? शिमेन उसे बताता है कि वो उसे होटल लेकर गया था। मेजो कहता है, तुम्हें सनशाइन के पंच से डर नहीं लगता जो उसे होटल लेकर गए? शिमेन कहता है, सनशाइन क्या उसकी मॉम है या गार्जियन? सनशाइन उनकी बातें सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। देन सनशाइन शिमेन से मिलती है और डायरेक्टली उससे कहती है कि तुम श्यायू को लेकर अगर सीरियस नहीं हो तो ये सब यहीं रोक दो। तो शिमेन उसे सिचुएशन समझाता है कि मेरी और श्यायू की कंडीशन बिल्कुल वैसी है जैसी तुम्हारी और चेंचिंग की। चेंचिंग तुम्हें लाइक करता है और तुम दामिनी को। सनशाइन कहती है कि अगर मैं सिंगल भी होती तो कभी भी चेंचिंग को डेट नहीं करती। शिमेन कहता है, तो यही सेम सिचुएशन मेरे और श्यायू के सामने है। श्यायू मुझे लाइक करती है पर मैं उसे सिर्फ अपनी फ्रेंड मानता हूँ। और शिमेन सनशाइन से प्रॉमिस करता है कि तुम टेंशन नहीं लो, मेरे और श्यायू के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसका तुम्हें डर है। पर फिर भी सनशाइन को टेंशन है श्यायू को लेकर। रात के टाइम दामिनी अपने बॉडी गार्ड से छिपते छिपाते अपने घर से निकलता है। इधर सनशाइन घर पर दामिनी का वेट करती है। जब बहुत देर तक वो नहीं आता तो वो सोने चली जाती है, पर उसे नींद नहीं आती। पर जब उसे बाहर से आवाज आती है तो वो देखने जाती है और वो देखती है कि दामिनी बाहर बैठा बैठा मच्छरों से जंग लड़ रहा है। सनशाइन दामिनी को समझाती है कि वो जो ये उसके वर्ल्ड में आकर उसकी तरह लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है वो उसके लिए नहीं है, ये बहुत मुश्किल है और शायद वैसे भी हमारी रिलेशनशिप की हैप्पी एंडिंग ना हो। सनशाइन से ये सब सुनकर दामिनी हर्ट होता है, पर सनशाइन भी कहीं ना कहीं हर्ट होती है, क्योंकि दामिनी उसके लिए इतना कुछ सह रहा है। दामिनी कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सनशाइन कहती है, तुमको कोई जरूरत नहीं है ऐसी जगह रहने की जहां वो रह नहीं सकता, तुम्हें मेरे लिए इतना सहने की जरूरत नहीं है। दामिनी कहता है, मुझे इन सब प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। दामिनी ये सारी बातें बिल्कुल हंसकर कहता है, सनशाइन के इतना गुस्सा होने के बाद भी। ये दामिनी नहीं, ये दामिनी 2.0 है, जो कि सनशाइन के साथ रिलेशन में आने के बाद मैच्योर हो गया। दामिनी की ये बातें सुनकर सनशाइन को बड़ा एम्बेस फील होता है कि दामिनी मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, वो ठीक से सो भी नहीं पाता। तो सनशाइन कहती है, आज तुम मेरे साथ मेरे रूम में सो जाओ। दामिनी बड़ा नर्वस होता है कि वो अपनी ड्रीम गर्ल के साथ सोएगा। दोनों अंदर जाते हैं। दामिनी कहता है, तुम श्योर हो ना कि तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? सनशाइन कहती है, टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। दामिनी कहता है, तुम्हें तो कोई चिंता नहीं पर मुझे है। सनशाइन कहती है, बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो, ये पहली बात थोड़ी ना है जो तुम मेरे साथ सो रहे हो। देन सारी बातें पूरी होने के बाद वो दोनों एक साथ लेटते हैं। सनशाइन दामिनी को थैंक्स कहती है जो वो उसके लिए कर रहा है और सनशाइन आज बहुत खुश है। दामिनी कहता है, सब ठीक हो जाएगा टाइम के साथ और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें हग कर लूं। पर जब दामिनी मुड़कर देखता है तो सनशाइन सो चुकी थी। दामिनी सारी रात बस सनशाइन को ही देखता रहता है। ड्रामा में फेवरेट सिस्टर मिस जुआंग वापस आ चुकी हैं। वो घर पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स देखती हैं और मिसेस यू से पूछती हैं, ये यहाँ क्यों हैं?
मिसेस यू उन्हें सब बताती हैं, तो मिस जुआंग को बड़ा गुस्सा आता है कि अब उनकी मॉम वही सब फिर से कर रही हैं जो पहले मिस जुआंग के साथ किया। मिस जुआंग कहती हैं, जो पहले मेरे साथ हुआ वो मैं दामिशी के साथ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी और दामिशी की हेल्प करूंगी। अब दामिशी को डबल सपोर्ट मिलेगा मिसेज यू और मिस जुआंग से। रात के टाइम सनशाई जब घर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर दामिशी के बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, जो कि उसकी मॉम ने सनशाई पर नजर रखने भेजे हैं। सनशाई उन सब से छुपकर दामिशी को कॉल करती है और उसे उनके बारे में सब बताती है। दामिशी सनशाई के पास पहुंचता है। सनशाई कहती है, अब क्या करें? दामिशी कहता है, मेजो या सीमेन के घर चलो। सनशाई मना कर देती है क्योंकि उनके घर पर भी तो मिसेस दामिंग ने बॉडीगार्ड्स लगाए होंगे। दामिशी सनशाई को अपने घर लेकर जाने की कहता है। सनशाई कहती है, वो सही नहीं है। दामिशी कहता है, मोस्ट डेंजरस प्लेस ही सबसे सेफेस्ट प्लेस होती है। हम सभी को दामिशी से सर्वाइवल टिप्स लेनी चाहिए क्योंकि क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। दामिशी सनशाई को घर के अंदर लेकर जाता है बॉडीगार्ड से बचाकर। दोनों सेफली रूम में पहुंच जाते हैं, पर सनशाई अभी भी टेंशन में है कि ये सब कब तक ऐसा ही रहेगा। पर दामिशी तो इस टाइम बहुत खुश है। दामिशी सनशाई के क्लोज जाता है और सनशाई को किस करता है। मिस जुआंग वहां अचानक से आकर उनको इंटरप्ट कर देती है। मिस जुआंग को लगता है कि दामिशी सनशाई को फोर्स कर रहा है, इसलिए वो उसे मारने लगती है। पर सनशाई उनसे कहती है कि दामिशी मुझे फोर्स नहीं कर रहा। सनशाई के मुंह से ये सुनकर वो बहुत खुश होती हैं कि वो अब दामिशी के साथ रहना चाहती है और कहती हैं, तुम दोनों अभी इस लेवल पर भी पहुंच गए। देन मिस जुआंग दामिशी को समझाती हैं कि ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और अब तुम सनशाई का साथ कभी नहीं छोड़ना और उसे प्रोटेक्ट करना। दामिशी कहता है, मैं सनशाई का साथ हमेशा दूंगा। ये सुनकर मिस जुआंग बहुत खुश होती हैं और खुशी में दामिशी को हिट कर देती हैं। दामिशी कहता है, जिए क्या आप थोड़ा सॉफ्ट तरह से नहीं मार सकती? देन वो वहां से चली जाती है। दामिशी शेमलेसली सनशाई से पूछता है कि क्या वो रिलेशनशिप को दूसरे लेवल पर ले जाने के लिए रेडी है, और अभी नहीं तो कब तक होगी। सनशाई धीरे से बोलती है, 5 साल। 5 साल सुनने के बाद दामिशी बड़ा डिसअपॉइंट होता है, पर फिर भी वो एग्री हो जाता है। नेक्स्ट डे जब सनशाई अपने पार्ट टाइम वर्क पर जाती है, जहाँ वो श्यायू से मिलती है, श्यायू के फेस से समझ आ रहा है कि वो सैड है और ये बात सनशाई को भी समझ आ रही है। सनशाई से समझाती है कि तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स तो बन सकते हो, पर कभी रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। पर श्यायू अभी भी गिव अप करने को रेडी नहीं है और वो सनशाई से कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया। सनशाई पूछती है, क्या? पर अभी उसने क्या डिसाइड किया है इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। इधर मेजो और शिमेन बार में होते हैं और वहीं श्यायू भी पहुंच जाती है, पर उनसे दूर बैठती है। शिमेन भी उसे देख लेता है पर पूरी तरह इग्नोर करता है। तभी श्यायू के पास एक लड़का आता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। श्यायू को अनकंफर्टेबल फील होता है, पर शिमेन को दिखाने के लिए वो उससे बात करती है और उसके साथ ड्रिंक भी करती है। श्यायू ड्रिंक पीने के बाद ड्रंक हो जाती है और वो लड़का श्यायू के क्लोज आने की कोशिश करता है। शिमेन से ये सब देखा नहीं जाता और वो श्यायू के पास जाता है, उसे उस लड़के से दूर करता है और उसकी ड्रिंक खुद पी लेता है और वो लड़का वहां से चला जाता है। शिमेन श्यायू को बाहर लेकर जाता है और उससे कहता है कि वो कुछ भी कर ले पर वो दोनों एक नहीं हो सकते। श्यायू उससे पूछती है कि उसने ये क्यों कहा था कि लव में रिग्रेट होते हैं, और अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुमसे दूर रहूंगी, कभी परेशान नहीं करूंगी। शिमेन कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, पर इसके बाद तुम मुझे अकेला छोड़ देना। शिमेन उसे बताता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहां एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नेम है श्योजिंग। श्योजिंग और शिमेन बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और बहुत क्लोज भी थे, और शिमेन को उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। और वो स्टडी में ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर वो कार्ड्स में बहुत अच्छी थी। पर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स का रिश्ता सिर्फ झूठ है और वो दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं। शिमेन का लव पर से विश्वास हट गया और वो कहता है, लव बिल्कुल शार्प ब्लेड की तरह होता है जो आपको बहुत हर्ट करता है। और इन सब प्रॉब्लम्स के बीच श्याओजिंग की एक्सिस्टेंस उसे पीस फील कराती थी। श्याओजिंग बिल्कुल बॉयज की तरह रहती थी, उसका हेयर कट, ड्रेसअप, सब कुछ। पर एक दिन वो शिमेन के लिए गर्ल्स की तरह रेडी होकर आती है, और जब वो शिमेन के पास गई तो शिमेन कहता है, तुम बहुत स्ट्रेंज लग रही हो और तुम मुझे नहीं बाहर जाकर किसी और को डराओ। वो वहां से चली जाती है। शिमेन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो दोनों रिलेशनशिप में आए, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आगे श्याओजिंग फिर से शिमेन के क्लोज जाने की कोशिश करती है,
पश्चिम महल उसे खुद से दूर कर रहा था। ये सब वो शिवजिंग के भले के लिए कर रहा था। एक्चुअली में शिमेन भी शिवजिंग को लाइक करता था, पर उसने अपने पेरेंट्स को खुद अलग होते देखा, इसलिए उसे लगा कि अगर वो और शिवजिंग भी रिलेशनशिप में आए तो उनकी फ्रेंडशिप नहीं रहेगी। एक दिन शिवजिंग शिमेन को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उससे मिलने अगली सुबह 5 बजे आए। शिवजिंग उसे एड्रेस भी सेंड करती है, पर शिमेन उस एड्रेस को बिना देखे ही डिलीट कर देता है, क्योंकि उसे लगा कि वो उसे प्रपोज करेगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो उससे मिलने भी नहीं जाता। शिवजिंग उससे मिलती है और पूछती है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आया। शिमेन कहता है, मैं लास्ट नाइट अपने फ्रेंड्स के साथ था और थक गया, इसलिए नहीं आ पाया। शिवजिंग समझ जाती है कि शिमेन उसे लाइक नहीं करता और वो शिमेन से गुड बाय कहकर हमेशा के लिए उससे दूर चली जाती है। अब आते हैं वापस प्रेजेंट में। दामिनी जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके बॉडीगार्ड्स का बिहेवियर बिल्कुल और हो चुका है, यानी दामिनी अब कुछ भी करे वो उसकी मॉम को कुछ नहीं बताएंगे। दामिनी को ये बड़ा अजीब लगता है, पर थोड़ी देर बाद उसे मिस जुआंग का मैसेज आता है और वो उसे बताती है कि ये सारा उनका अरेंजमेंट है। श्यायू कुछ ढूंढ रही है। श्यायू उस प्लेस को ढूंढ रही है जहाँ शिवजिंग ने शिमेन को बुलाया था। उसने संघाई की सारी टॉलेस्ट बिल्डिंग के नेम लिख लिए हैं। वो ये पता करना चाह रही है कि शिवजिंग ने शिमेन को किस जगह और क्यों बुलाया। श्यायू घर से बाहर रात को निकलती और सुबह वापस आ जाती। ये सब वो शिमेन के लिए कर रही है, पर एक दिन वो फंस जाती है। उसकी मॉम उसे सुबह सुबह आते देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम आधी रात को कहाँ जाती हो और तुमने ये बिल्डिंग्स के नेम क्यों लिख रखे हैं, कुछ पर टिक लगा है और कुछ पर नहीं। श्यायू कहती है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही और ये टाइम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो अपनी मॉम को इस बात का रीजन नहीं बताती। दामिनी जब कॉलेज पहुंचता है तो संशय ये देखकर हैरान होती है कि उसके आसपास कोई बॉडीगार्ड नहीं है। तो दामिनी उसे बताता है कि ये सब मिस जुआंग ने किया है और अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों बात कर रहे थे तभी दामिनी उसे बताता है कि वो भी संशय के साथ ऑनलाइन गेम खेलता है, पर नेम बदलकर। संशय बहुत खुश होती है जब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड गेम का ग्रेटेस्ट प्लेयर है। शायू वर्क पर है और वो अभी भी शिवजिंग के बारे में ही सोच रही है। संशय समझ जाती है कि शायू टेंशन में है। संशय उसे रीजन पूछती है पर शायू उसे कुछ भी नहीं बताती। संशय दामिनी और मेजो के साथ शिमेन से मिलने जाती है। वहां वो शिमेन से कहती है कि वो इतना इर्रिस्पॉन्सिबल क्यों है, उसने स्टार्टिंग में ही शायू को अटेंशन क्यों दी। शिमेन कहता है, मैंने गलती की है और अब उसे सुधार रहा हूँ। नेक्स्ट डे संशय शायू को जाकर ये बात बताती है और समझाती भी है, पर शायू उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, नहीं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करूंगी। और यही एपिसोड 37 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल।